So in this video, you will get 10 tips for CA exams by 5 famous chartered accountants. इन सबको आपने पहले YouTube पर देखा होगा because they are well known faces and ये अपने करियर में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं. I know कि exams pass है, so that's why I'm making this video for all of you and including me. क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपकी preparation में जरा सी भी कमी हो, क्योंकि फिर हमें बाद में regret होता है कि काश ये चीज़ें हमें पहले पता होती तो बहुत अच्छा होता. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वीडियो ऑफ माई चैनल, ट्रस्ट मी. सो हियर आर द टू टिप्स बाय ईच वन ऑफ देम, लेट्स गो. सो एग्जाम्स आर जस्ट अराउंड द कॉर्नर, बस आने ही वाले हैं एग्जाम. और अगर इस टाइम पर मुझे कोई दो टिप्स आपको देनी हो तो पहली ये होगी कि लेस इज मोर. इस टाइम पर ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर करने के पीछे ना भागे, नई चीजें पढ़ने के पीछे, नई बुक्स, नए नोट्स, सब टेलीग्राम चैनल्स, ये सब ना करें. आपने जो पहले पढ़ा है उसी को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करने की कोशिश करें. सो द लेस इज मोर, डोंट रन बिहाइंड कवरिंग द मोर. सेकेंड थिंग इज, इस टाइम पर नेगेटिव वॉटिव्स को एक्सप्लोर ना करें. क्या हो, क्या पता पेपर टफ आ जाए, क्या पता इस बार चेकिंग बहुत टफ हो जाए, क्या पता ऐसा हो जाए, उस सब्जेक्ट का पेपर पिछली बार इजी आया था, इस बार टफ आ जाए. यू नेवर नो व्हाट विल हैपन. तो पास्ट का रिग्रेट छोड़ दें, आपने क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, कितना कर पाए, कितना नहीं कर पाए. व्हाट हैपन हैज हैपन, और जो अभी नहीं हुआ है वो नहीं हुआ है. तो पास्ट की चिंता ना करें, फ्यूचर की टेंशन ना लें. यू जस्ट हैव राइट नाउ, राइट दिस वेरी मोमेंट. इस मोमेंट पे आप क्या कर सकते हैं, अपना सारा फोकस उस पर रखें. ट्राई टू मेडिटेट मोर. एफर्मेशन जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ, एफर्मेशन आर द पॉजिटिव सेंटेंसेज यू कीप ऑन टेलिंग योर सेल्फ कि हो जाएगा, मैनेज कर लेंगे, आई हैव एनफ टाइम, आई कैन स्टडी वेल, और जो मैं पढ़ रही हूँ मुझे सब कुछ एग्जाम्स में याद आ जाएगा. इस तरह के सेंटेंसेस खुद को बोलें. इस टाइम पर बाहर मोटिवेशन ढूंढने की जगह खुद को ज्यादा से ज्यादा सेल्फ मोटिवेटेड रखें, बिकॉज सेल्फ मोटिवेशन हेल्प्स यू राइट बेटर इन एग्जाम्स. क्योंकि आप खुद को जब मोटिवेट करते हैं ना, देयर इज समथिंग मैजिकल विच हैपेंस फ्रॉम विद इन. ट्राई टू मोटिवेट योर सेल्फ ऑन योर ओन, टेक अ डीप ब्रेथ, सब कुछ बहुत अच्छा होगा आपके साथ. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. हम एवरेज बच्चे जो पढ़ाई में ठीक ठाक होते हैं, उनके पास बस एक ही तरीका है सीए के पेपर क्रैक करने का, वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस गेन करके. वो कैसे होगा, पेपर से पहले जितने भी थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं आपके, उनको कम से कम 3 बार रिवाइज करना है. जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उनको कम से कम 2 बार रिवाइज करना है. प्लस इन सब को एक बार इस तरीके से भी रिवाइज करना है कि जो पेपर के बीच में हमें 1 दिन की छुट्टी होती है उसमें हम सारा का सारा रिवाइज कर सके, सारा का सारा रिवाइज कर सके. मैं करता होता था, तो इससे क्या होता है, एटलीस्ट हमें खुद पे कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ हमारी तो तैयारी पूरी है, बाकी पेपर जैसा भी आएगा वो देखी जाएगी, रिजल्ट जैसा भी आएगा वो देखी जाएगी. तो अपने हाथ में नहीं है, तो टेंशन नहीं लेनी, ढंग से तैयारी करनी है और पास होना है. हाय गाइस, सो एज यू नो दैट सी एग्जाम्स आर अप्रोचिंग, सो हियर आर माय टॉप 2 टिप्स फॉर यू. नंबर 1 टिप इज दैट डोंट रन आफ्टर कंप्लीटिंग योर सिलेबस, रादर रिवाइज वट एवर यू हैव स्टडीड. ओके, इट इज बेस्ड अपॉन माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि आपका सिलेबस कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा. रादर आपको फोकस करना चाहिए कि आपने जो भी पढ़ा है उसको ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करें, सो दैट एटलीस्ट उसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए. ओके, सो द नंबर 2 टिप इज दैट टू इम्प्रूव योर आंसर प्रेजेंटेशन स्किल्स, ऑलवेज रेफर ICAI's सजेस्टेड आंसर्स. आप पहले अपना खुद का आंसर लिखिए, उसको कंपेयर करिए विद द ICAI's सजेस्टेड आंसर, जिसके थ्रू आपको पॉइंट्स ऑफ इंप्रूवमेंट पता चलते हैं, एंड देन उसके बेसिस पर आप खुद की प्रेजेंटेशन को और भी ज्यादा इंप्रूव कर पाएंगे. सो दीज वर माई टॉप 2 टिप्स, इनको फॉलो करिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स. हे एवरीवन, कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट, इन सब में मेरी बस 1-2 छोटी एडवाइजर्स हैं एंड यू विल कनेक्ट मी ऑन दैट एज वेल, कि भाई ये सब वीडियोस वगैरह देख के बहुत सारे स्टूडेंट्स मोटिवेट पंप अप हो जाएंगे और कहेंगे कि चलो यार अब तो पहली बार में सीए बनना है, ऐसे करना है, वैसे करना है. बट सीए और कोई बनता है, सीए वो बंदा बनता है जो कि अंदर से सेल्फ मोटिवेटेड है, जो सुबह उठ के 3 घंटे की क्लासेस भी करेगा. अगर उसकी आर्टिकलशिप है तो दिन भर मेहनत से अपने आर्टिकलशिप में 100% चीजें सीखेगा, और रात की अगर क्लास बची होगी तो भी करेगा. वो अपने लीव पीरियड में भी 10 से 12 घंटे का आउटपुट निकालेगा. शॉर्ट में जो कंसिस्टेंट रहेगा इस पूरी जर्नी में, एट द एंड वही चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा. मतलब कि एक मेरी सबसे इंपॉर्टेंट टिप ये है कि प्लीज बी कंसिस्टेंट यार, डोंट कॉम्प्रोमाइज कि आज का मैं कल पढ़ लूंगा, कल का मैं परसों पढ़ लूंगा. और दूसरा, हम सबकी जर्नी डिफरेंट है, एज डज नॉट मैटर. कोई 21 साल में सीए बन रहा है तो कोई 24-25 साल में बन रहा है,
कोई एक अटेम्प्ट में ही बन रहा है तो कोई को तीन चार अटेम्प्ट भी लग रहे हैं। किसी बंदे ने DU से अपना कॉलेज किया है, किसी बंदे ने नहीं किया है, तो सबकी प्रायोरिटीज अपनी अलग अलग है। तो दूसरों की जर्नी से, अरे यार मैं तो नहीं बन पाया, वो तो बन गया, उसने तो बिग फोर से आर्टिकलशिप करी है, मेरी तो स्मॉल साइज से आर्टिकलशिप है, मुझे नौकरी कौन देगा, उसकी क्या नौकरी लगी है यार, इन्वेस्टमेंट बैंकर बन रहा है वो। सबकी जर्नी अलग अलग है, हमको अपनी जर्नी अलग लिखनी है। तो अपनी जर्नी को खुद दूसरों के साथ कंपेयर करके अपनी खुद के पाथ को गाली मत दो, जस्ट ट्रस्ट ऑन दी प्रोसेस, अपनी कमिटमेंट्स, अपनी कंसिस्टेंसी अपने पास रखो और आप सक्सीड जरूर होगे। So the first step I have is to take one step at a time. Focus on the next 24 hours that you have. ये मत सोचो कि मैंने कल का दिन वेस्ट कर दिया या दो दिन बाद मुझे बाहर जाना है तो वो वेस्ट होगा. Does not matter. अभी तुम्हारे पास 24 hours हैं आज के दिन के, उसको पूरी तरह से यूटिलाइज करो so that at the end of the day when you close your books you feel satisfied. My second tip is to very well prepare for the 1.5 days that you get before the exams. It is very very crucial. अगर तुमने 6 महीने बहुत मेहनत करी है और वो 1.5 डेज के लिए प्रिपेयर नहीं किया है ना, तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है. वो 1.5 डेज लिटरली मेक और ब्रेक है, ठीक है. 1.5 डेज के लिए वेरी वेल इन एडवांस यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड. तुम्हें पता होना चाहिए मुझे कितने टाइम में कौन सा चैप्टर का रिविजन खत्म करना है और एक डेडलाइन फिक्स होनी चाहिए. 1.5 डेज में जाकर उसका प्लानिंग नहीं करना है, वो 3 महीने पहले ही हो जाना चाहिए. सो दीज वर द 2 टिप्स फ्रॉम मी, MCA तितिक्षा गुप्ता. So that's it for today's video. I hope आप सबको वीडियो बहुत पसंद आई होगी. थैंक यू नेहा मैम, अस्वर्दी, अमनदीप भैया, आका अल्फा सिंह एंड मोहित भैया एंड प्रतीक्षा दी फॉर बिकमिंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो एंड अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा टाइम निकालने के लिए. सो थैंक यू सो मच. एंड किसी के साथ अगर आप इंटरव्यू देखना चाहते हो तो उसके लिए भी आप कमेंट में ज़रूर बताना. एंड लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड वर्क हार्ड, हार नहीं माननी है, लगे रहना है एंड डोंट वरी, आई एम विद यू, जस्ट बी योर ओन परफेक्ट. मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय.